धन्यवाद। मेरा नाम राजीव ध्यानी है, मैं पंचायती राज विभाग की ओर से जो ग्रुप था उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली सर यहाँ पे है नहीं, DPRO साहब लखनऊ यहाँ थे हमारे ग्रुप में, और महिला विकास विभाग से भी एक महिला कल्याण विभाग से भी एक मैडम है, तो चूँकि वहाँ पे है नहीं विभाग के प्रतिनिधि, इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे। पंचायती राज विभाग के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासतौर पर सामाजिक संरक्षण से जुड़ी हुई, सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, वो एक स्तर पर ब्लॉक लेवल पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और ब्लॉक के बाद में उसको फर्दर नीचे कम्युनिटी के लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी प्राइमरीली इसी विभाग की, पंचायती राज विभाग की होती है। और इसके अलावा पंचायतों को चूंकि ये भी अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग विभागों से दी जाने वाली सेवाओं का उसकी मॉनिटरिंग या उसकी निगरानी पंचायतें करें, इसलिए भी इस विभाग की खास जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस विभाग के बारे में आपको अंदाज है काफ़ी कुछ। मैं सीधे आता हूँ स्टेटस पर, जिसमें मोबाइल फ़ोन या मोबाइल टेक्नोलॉजी को किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। तो ये अंदाज़ मिला है, सिर्फ एक ही प्रतिनिधि थे विभाग के, तो उससे अंदाज़ ये मिल रहा है कि फिलहाल ब्लॉक लेवल तक ही, वीडियो तक ही CUG नंबर्स पहुँच पाए हैं, और उसके आगे जो CUG नेटवर्क है वो उपलब्ध नहीं है। तो एक तो ये नीड भी निकल के आई कि इसको आगे कम से कम ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम पंचायत, हाँ पंचायत सेक्रेटरी, या दो विभागों के अलग अलग हैं, पंचायत सेक्रेटरी तक इसको कम से कम पहुंचा दिया जाए। अलबत्ता तो इसमें प्रधानों को भी CUG नेटवर्क के जरिए जोड़ने की एक ज़रूरत महसूस हो रही थी। दूसरा यह कि जो फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है या मोबाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो बेसिकली इनफॉर्मल अनौपचारिक कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा हो रहा है, कोई फॉर्मल उसमें मॉनिटरिंग के लिए या किसी और संदेश के लिए उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि ब्लॉक ऑफिसेज पर और कुछ प्रोमिनेंट जगहों पर ग्राम प्रधानों के नंबर, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों के नंबर, ये सब उपलब्ध हैं, और ये एक जरिया है जिसके जरिए कम्युनिटी इन लोगों तक पहुंच सकती है, संवाद कर सकती है इनके साथ में। महिला कल्याण विभाग में ये प्रयास किए जा रहे हैं, शायद बाकी जो विकलांग कल्याण है या जो अन्य पेंशन से और सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़े हुए विभाग हैं, वहाँ पर भी शायद ये हो रहा होगा कि उन्होंने फॉर्म्स के साथ साथ में मोबाइल डिटेल्स भी, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके मोबाइल डिटेल्स भी लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि उनसे कुछ बेसिकली रैंडमली उनसे उनको कॉल करके और स्टेटस थोड़ा अंदाज लिया जा सके। इसमें किसान कॉल सेंटर की भी बात आई, हालांकि वो इस विभाग से संबंधित नहीं है सीधे तौर पर। और मनरेगा की हेल्पलाइन की बात हुई कि मनरेगा की एक हेल्पलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर और कुछ इनपुट्स हैं तो आप सब लोगों से बेहतर अंदाज मिल पाएगा, इसमें सर आप जोड़ सकते हैं अगर कुछ है तो। बेसिकली जो फॉर्मेट था उसको हम लोग फॉलो कर नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, सो केस स्टडीज और ऐसा ये चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। इसके बावजूद जो रिकमेंडेशंस नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप दे पा रहा था वो ये हैं। एक तो इसमें पंचायत हेल्पलाइन एस्टेब्लिश करने की बात है, और पंचायत हेल्पलाइन में भी बहुत ज़्यादा जो नीड समझ में आ रही है वो ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कई जगह पर फंस जाते हैं। और दूसरा फिनोमिना जो कि हम सब लोगों को अंदाज है कि ग्राम प्रधान जी आमतौर पर पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है, तो वो और इसी के साथ में अगर आप देखें तो पंचायत सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं। तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि ग्राम प्रधान महोदय को, जहाँ पर उन्हें कोई टेक्निकल जानकारी चाहिए कि इस पर लॉ क्या कहता है या हमारे पास में फंड्स हैं कैसे इनका इस्तेमाल करें, तो एक हेल्पलाइन हो और वहाँ पर कोई एक्सपर्ट बैठे हों इन लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो जो हम पंचायत हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं, एक लेवल है उसमें पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, और दूसरा है आम लोगों के लिए कि साहब पंचायत से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं या ये समस्याएं हैं या ये हमारे प्रश्न हैं, कहाँ से पूछें, कौन इसका जवाब देगा, क्या करना चाहिए हमें। दूसरा है ग्राम प्रधान के मोबाइल नंबर्स, अगर ये पाया गया कि उनके पास में मोबाइल में अपडेट नहीं आती है, तो अगर ये सारे ग्राम प्रधानों को निर्देश दे दिए जाएं कि वो जिन जिन बैंकों में पंचायत से जुड़े हुए खाते हैं वो वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर्स अपडेट कर लें, तो उनके लिए जानकारी आसानी से मिलती जाएगी। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं या बाकी जो बेनिफिशियरीज हैं उन लोगों के लिए, अगर एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग का सिस्टम बना दिया जाए कि जिसमें वो एक मोबाइल किसी नंबर पे अपना एक नंबर कोई डाल करके और भेजें और उनको ट्रैक, उनको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाए कि वो किस स्तर तक पहुंची है अभी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रहा था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को अप्लाई करने के बाद में महीनों सालों तक पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या। और कई बार तो खुद मैंने एक दो स्टडीज़ की हैं यूनिसेफ और पंचायती राज विभाग के साथ मिल करके, कई बार तो ये भी समझ में आया कि उनके हिस्से की पेंशन कोई और ले जा रहा है फर्जी खाता बनवा करके, ये सब आप लोगों की जानकारी में होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। तो ये दो स्तरों पर हो सकता है, एक स्तर पर तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग का सिस्टम हो ताकि उससे पता चले कि जो मैंने अप्लाई किया था उसका क्या हुआ है हाल,
और दूसरी तरफ SMS का अलर्ट भी आए कि पहले लेवल पे आपने एप्लीकेशन यहाँ पहुँच गई है या रिजेक्ट हुई है, सेलेक्ट हुई है, उसका स्टेटस मिल जाए। तो ये हुआ। अगला है, कुछ ऐसी भी बात चल रही थी कि जो फ्रंटलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चूँकि पंचायत को तमाम सेवा प्रदाताओं की निगरानी या उन पर उनको एक तरह से सपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जिससे मालूम हो कि इस वक्त वो कार्यकर्ता इस समय कहाँ पर है, तो एक तरह से GPS एनेबल्ड कोई सर्विस या इस तरह का कोई प्रोविजन, ये हल्का हल्का सा दिमाग में आया है। दूसरा, इसमें मनरेगा के केस में ये है कि अगर व्यक्ति एप्लीकेशन देता भी है तो जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी वो एप्लीकेशन को लेता नहीं है, तो इसका अगर जो शुरुआती जो ऑनलाइन अगर मोबाइल के जरिए कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो अपना नाम भेज करके SMS के जरिए एक नाम भेज दे और अपना पता भेज दे और वो उसको एक नंबर वहां से मिल जाए इंटर्न और वो उस नंबर को लेकर के, तो कम से कम ये होगा कि एक एक्नॉलेजमेंट एक उसके पास में आ जाएगा कि हाँ अब आप इसमें एनरोल करने के लिए एक तरह से एलिजिबल हो गए हैं। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि ये व्यावहारिक दिक्कत देखने में आ रही है कि उनकी एप्लीकेशंस को लोग लेकर के भी आगे प्रोसेस नहीं करते हैं। दूसरा है, इसमें ये मुझे भी बहुत क्लियर नहीं था जो बात बीच में आई थी, मैं शायद बाहर था उस वक्त, ये था कि सभी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत लेवल में जो मीटिंग हो रही है, पंचायत की जो बैठकें हैं, उनको ट्रैक करने के लिए वो निर्धारित समय पर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कितने लोग उपस्थित थे, ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर कुछ बनाया जाए कि जिसके जरिए एक रिपोर्टिंग हो सके, एक दो पिक्टोरियल्स के साथ में दो एक पिक्चर्स उसकी ले ली, कितने लोग उपस्थित थे, किस तारीख को हुआ, कौन कौन लोग कर रहे थे, और ऐसा कुछ मैकेनिज्म है। इसमें जो प्रपोज्ड एक्शन इस ग्रुप ने प्रपोज किया है वो ये है कि इसके लिए चूंकि एक ही विभाग जिम्मेदार नहीं है, जो पंचायती राज से जुड़ी हुई सेवाएं कई उन सारे विभागों के साथ में समन्वय करने की जिम्मेदारी कोई अगर एजेंसी ले, जिसमें समझ में आ रहा था कि DF और यूनिसेफ इसमें अगर संभव है तो लीड ले सकते हैं, और इसके लिए जो पर्याप्त पहले कंसल्टेशन हों या कोई इस तरह की स्टडीज हो जाएं और उसके बाद में फिर एडवोकेसी हो कंसर्न डिपार्टमेंट से कि सर्विसेज को ज़्यादा मोबाइल के साथ में लिंक करने के लिए। तो ब्रॉडली ये हमारी रिकमेंडेशंस और नीड बेस्ड जो रिकमेंडेशन थी वो ये हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न से ज़्यादा सुझाव भी होंगे इसमें तो प्रश्न तो नहीं, क्योंकि मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा ज़्यादातर किसी फिर भी कुछ अगर तो ओके एक छोटा सा प्रेशर है क्योंकि ऑफिस में यूनिसेफ में कुछ बाहर से मिशन आया है, उसके लिए नीलोफर हैज टू लीव, सो नीलोफर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो उन्होंने देखा है दो दिन में, बिकॉज शी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद अस यस्टरडे एंड टुडे, सो प्लीज नीलोफर यू टेक द माइक And then we will continue with our discussion. Sorry for breaking the flow of the meeting because I need to go, but maybe just to begin by thanking especially of course our government colleagues and officials and the senior government officials who in their busy schedules took time to come, and also all the partners and researchers and those who presented the case studies, and of course DEF and my own colleagues Alka from New Delhi and Bai and Sukhpal and all the other UNICEF colleagues as well. I think we have all learned a lot, have heard a lot of new ideas, been able to network with each other and be reminded in this quickly changing and fast pace of the world how important it is to remain up to date. Otherwise, there's so much happening outside that we're not tapping into for our work. I think with regards to the next steps, as some of you have also recommended, the proceedings of these deliberations will be taken and discussed with at least the key departments that we work with, and then pull all of that together and also share, of course, with the government for its leadership in taking a lot of this forward. So you will all be informed, I think, through some process of, let's say, the proceedings. If you want, of course, I'm sure all the presentations, and then many of you will be involved with us in the discussions on the best way forward. Clearly, there's so much happening out there, but how to pull that together, I think, would be really maybe a good contribution that UNICEF could make. And I would also like to basically just mention that I think all we do, all of this effort, is because we have a powerful tool that can really help us reduce disparities, strengthen democracy, as our government officials mentioned, improve access to quality services for children and women, and provide opportunity for direct feedback, for greater accountability and transparency, and also for the voices
of those who usually are not heard to be heard. And at the end of the day, ultimately to save the lives of children and women in UP and ensure and work towards them having the chance of living a better life and meeting their full potential and making a stronger contribution for themselves, for their families, community, and country. So I think the important things that to always keep in mind, the ultimate objective is not the technology, it's not the system, it's not the skill. The ultimate objective is to serve the people of Uttar Pradesh, especially the most marginalized children and women. And I think with this, I'd like to appreciate meeting many of you for the first time, some of you not for the first time. It's been really enriching, and congratulations on all your good work. And we are looking forward in UNICEF, New Delhi, as well as Uttar Pradesh, to work with many of you into the future as well. And I hope the remainder part of the day will also be very good and safe travels for those of you who are leaving Lucknow today or tomorrow. Thank you. Thanks a lot, Nilofa. So now we open the floor for only questions, not suggestions. कुछ जोड़ना है किसी को, कुछ लगता है जो अगर नैरो डाउन करें तो उसमें से क्या चीज़ है जो वे फॉरवर्ड में ले जाना चाहिए? या बेसिकली पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट बोला तो वी नीड टू एड्रेस वॉश बट वाटर एंड सैनिटेशन वो पॉइंट्स इसमें बिल्कुल कवर ही नहीं हुआ ये ग्रुप में जो ना बिकॉज अभी आपको पता है कितना जोर है वॉश के लिए टॉयलेट्स का टॉयलेट कंस्ट्रक्शन स्कूल हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए वो पॉइंट पे और जोर डालने के लिए जो ना मैं कोशिश कर रहा हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें अक्सर मैं इसी ग्रुप में था और मेरा केवल बस एक ये पॉइंट है कि जैसा कि नीलोफर जी ने भी अपनी बातों में कहा है कि हमारा एंड यूज़र जो है हम ये पूरी टेक्नोलॉजी या जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे अल्टीमेटली जो सबसे नीचे के लोग बैठे हुए हैं उनको हमको लाभ पहुंचाना है तो पंचायतों में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि जो लाभार्थी हैं उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा पाएँ तो एक तो जो हमने प्रेजेंटेशन हुए थे उसमें केस स्टडी उसमें तो एक तो पब्लिक एजुकेशन की जो बात है स्कीम्स के बारे में क्या कौन सी स्कीम्स हैं क्या प्रोसीजर्स हैं और किस तरीके से उनका लाभ उठाया जा सकता है एक तो वो चीज़ें दूसरी चीज़ जो अप्लीकेशन वो लोग देते हैं ख़ासतौर पर किसी स्कीम्स के लिए या मनरेगा में काम करने के लिए तो वो स्कीम्स के बारे में उनको ये पता नहीं होता कि मेरी इस अप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई या नहीं हुई तो उसी समय उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड होना वो तभी माना जाए जब उनको कोई इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोड इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो गई है अब उसका स्टेटस हम किसी और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसको दे सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का ये स्टेटस है और अभी फ़िलहाल मनरेगा में ये है कि कोई भी प्रधान या सेक्रेटरी एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं होता है कि उनको काम अगर मांगना है तो हम कैसे काम मांगेंगे तो वो एक जेन्यून एक समस्या है कम से कम इस माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम से कम हम उसको हम फ़ोन के माध्यम से हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा धन्यवाद आखिरी प्रेजेंटेशन पे चलें हेल्थ रचना हेल्थ को आखिर में लेने की ये भी वजह थी कि बहुत सारे केस स्टडीज़ और काम जो दिखा वो हेल्थ में ही दिखा